तो दोस्तों, अब तक हमने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा है, जहां पर अभी वक्त आ चुका है कि धरती एक्चुअल में सेवंथ यूनिवर्स में ही रहेगी या फिर ट्रांसफर होके चली जाएगी सिक्स यूनिवर्स में, जहां फैसला होता है हिट हार जाता है, जहां मोनाका की जीत होती है, जहां अभी चांपा बहुत ज्यादा गुस्से में है अपने फाइटर्स के ऊपर, जहां वो कहता है कि तुम हार गए और मेरी तुमने नाक कटवा दी, इसके लिए मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। जहां अब सब कुछ तबाही करने वाला था लॉर्ड चांपा, और गोकू को इजाजत नहीं मिली थी बीरस से इसके बीच में आने के लिए। तभी एक मिस्टीरियस विजिटर रिंग में आ जाता है, जिसका नाम है ग्रैंड ज़ेनो। और इसी नोट पे दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा, जो आई बटन पर मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। अब इधर सुप्रीम का कहते हैं कि ये एक्चुअल में एलियंस कौन है जिन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया है, क्या आप इनको जानते हो? जहाँ ओल्ड काय उठता है और एक चमाट लगा देता है सुप्रीम काय को कि तुम चुप बैठो, तुम्हें पता नहीं है वो कौन है। तभी रेफरी कहता है कि अचानक से तीन लोग आ चुके हैं जो कि हमारे ऊपर हमला करने वाले है। तभी इनमें से दो जो बंदे है वो देखते है रेफरी की तरफ, रेफरी शांत होता है। जहाँ इधर वेजिटा कहता है कि ये एलियन से दिखने वाले लोग आखिरकार है कौन। पिकलो कहता है क्या पता, कहीं भटक तो नहीं गए। बीरस चिल्ला है सब खामोश हो जाओ। बीरस कहता है कि ये कोई नॉर्मल से बच्चे नहीं है, ये है ग्रैंड ज़ेनो, जो कि है ओमनी किंग, 12 यूनिवर्स के सुप्रीम रूलर। ये सुनकर वेजिटा और पिकलो के होश ही उड़ चुके हैं। तभी इधर विस कहता है कि यहाँ पर बैठना अच्छी बात होगी। जाबीरस कहता है बिल्कुल सही, चलो चलते हैं। और इधर चांपा भी आ जाता है, जहाँ ये दोनों ही नीचे झुकते हैं और कहते हैं वेलकम ग्रैंड ज़ेनो, आपने यहाँ पर आकर हमारे ऊपर दया की और कृपा भी। जहाँ ये सारे काइज भी आकर नीचे झुक जाते हैं। जहाँ अपना सुप्रीम काय पूछता है कि आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं कि आपने मुझे बताया नहीं, इतनी बड़ी टूर्नामेंट कर दी तो मैं यहाँ तुम्हें वॉर्न करने आया हूँ। ये दोनों ही कहते हैं जी सर। जहाँ पर डिस्ट्रॉयर का काम है डिस्ट्रॉय करना। वीरस कहता है हाँ मुझे पता है, बट मुझे माफ कर दीजिए। वीस कहता है कि अच्छा हुआ सर आपने इनको डांटा, क्योंकि लॉर्ड वीरस को आजकल खाने में और सोने में इंटरेस्ट जग चुका है। जहाँ वाडोस कहती है चांपा भी कोई कम नहीं है, जरा इनके वजन को देखिए, इस वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है काम करने में। जहाँ इन्हें न्यूट्रिशन से भरा खाना देती हूँ मैं, लेकिन ये प्लेट जमीन पर फेंक कर कहते हैं कि मैं बहुत बुरी कुक हूँ। जहाँ वाडोस रोने का नाटक तो करती है। ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं ये डिस्ट्रॉयर बुरे है, हमें नए की जरूरत है। ये दोनों ही ऊपर उठकर देखते हैं। क्या? ज़ेनो कहता है मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें यहाँ वॉर्न करने आया हूँ, लेकिन जब मैंने ये टूर्नामेंट देखी मुझे बहुत मजा आया, और मजा करना कोई गलत बात तो नहीं है। ये दोनों ही कहते हैं जी सर। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम सारे यूनिवर्स को लेके ये टूर्नामेंट रखे, लगता है हमें ये ट्राई करना चाहिए, ये मजेदार होगा ना। गोकू आता है और कहता है हाँ होगा, ये तो बहुत ही कमाल का होगा। जहाँ गोकू और ये सारे लोग खड़े हैं, ये देखकर बीरस और चांपा हैरान हैं। जहाँ गोकू आगे आता है, तभी हम देखते हैं वो जो दो गार्ड्स है वो आगे आ जाते हैं जमीन से निकल कर। जहाँ गोकू कहता है मैं तो सिर्फ बात करना चाहता था ना, प्लीज थोड़ी सी बात, वो मना कर देते हैं। बीरस चिल्लाता है कि तुम्हें खड़े रहकर बात नहीं करनी चाहिए, ग्रैंड ज़ेनो के सामने झुक कर बात करो। ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं कि हम बात कर सकते हैं। ये सुनकर चांपा और बीरस शॉक में हैं। ग्रैंड ज़ेनो आते हैं सामने और कहते हैं तुम्हारा मैच बहुत ही अच्छा था ना। जहाँ गोकू हंसने लगता है। अब ज़ेनो कहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी ये टूर्नामेंट रख सकते हैं। गोकू कहता है बहुत अच्छी बात है बड़ी, और वो हाथ आगे बढ़ाता है। जहाँ चांपा और बीरस की शक्लें देखने लायक है। जहाँ ये सारे लोग गुस्से से देख रहे हैं और गोकू कह रहा है हाथ मिला लो बड़ी, मैं कुछ काटूंगा नहीं। जहाँ फाइनली गोकू से वो हाथ मिला ही लेते हैं। जहाँ वो कहता है कि सचमुच तुम फनी हो और मुझे फनी लोग पसंद है, चलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। गोकू कहता है मिलकर मजा आया, जल्दी मिलते हैं। अब लॉर्ड ज़ेनो के हाथ पकड़ते हैं ये उनके दो बॉडीगार्ड, और ये दोनों कहते हैं चांपा और बीरस की यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये दोनों बॉडीगार्ड लेटर गेटर करके निकल जाते हैं। जहाँ बीरस चिल्लाता है अब गोकू पर कि सुनो गोकू, ओमनी किंग अगर चाहे तो वो पूरे बाना यूनिवर्स को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गोकू कहता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा, वो आखिरकार ऐसा क्यों करेंगी, और हाँ आपको फाइटर की भी तो जरूरत है, उसके सिवा आप कैसे लड़ पाएंगे। अब चांपा कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि लॉर्ड ज़ेनो करने वाले है अब इस टूर्नामेंट को, यानी इसका मतलब ये है कि ये बस एक अभी ट्रेनिंग ही थी। जहाँ बीरस कहता है हाँ ये ट्रेनिंग तो थी, लेकिन तुम अभी पलट नहीं सकते। जहाँ चांपा कहता है हाँ वो सिक्स बॉल्स तुम्हारे हुए,
हुए, बस सातवें को तुम ढूंढ नहीं पाओगी, क्योंकि सातवें को ढूंढने के लिए मैं सिक्स या सेवंथ यूनिवर्स में भी चक्कर लगा चुका हूँ। वो बात आधे में ही काट कर चले जाता है और अपने फाइटर्स को कहता है कि तुम्हें अब हारना नहीं है, समझे ना, तो चलो जाइए। नन्ना सा सेयन आता है और कहता है, मास्टर आपको सडाला घूमना है तो चलिए चलते हैं। जहाँ वेजिटा चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा कोई मास्टर नहीं हूँ। अब इधर गोकू हिट को आवाज देता है, हे हिट, अब मुझे पता नहीं कि ग्रैंड जेनो कब ये टूर्नामेंट रखेंगी, तो तब तक क्या हम लोग फाइट कर सकते हैं? तुम कहो वहाँ पर 3 दिन बाद कैसा रहेगा? वो कुछ जवाब नहीं देता। जहाँ गोकू कहता है कि तुम्हें इतना लंबा इंतजार अच्छा नहीं रहेगा, तो कल कैसा रहेगा, और हिट चले जाता है। इधर अब फाइनली मांजिनबू उठ चुका है नींद से, जहाँ वो माफी मांगता है मिस्टर सेटन से। जहाँ मिस्टर सेटन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने जो देखा ना वाकई में लाजवाब था। जहाँ वो मोरोको से बात करता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई बिजनेस सोचा है, कैसा रहेगा? अब बुलमा कहती है, कोई भयानक विश नहीं मान सकते बीरस। बीरस कहता है, मैं इंसानों से ऑर्डर्स नहीं लेता। बुलमा कहती है, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए बोल दो। बीरस कहता है, अच्छा ठीक है चलो। जहाँ बुलमा इसे एक्टिवेट करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें यूनिवर्स के बीचों बीच जाना होगा, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता इसका मतलब 6 यूनिवर्स में जाना होगा। तभी एंड्रॉइड 18 देखती है और कहती है कि तुम 7 के बारे में बात कर रही हो ना, देखो ना उसके अंदर 7 ही तो है। बुलमा चेक करती है, हाँ 7 तो है, लेकिन ऊपर देखने के बाद सिर्फ 6 ही नजर आ रहे हैं। विज भी कहता है कि ये थोड़ा सा दिक्कत तो है। तभी मोरको आता है और कहता है कि आप 3-डायमेंशनल नहीं सोच रहे हैं। विज ऊपर देखता है और कहता है, मोनाका ये बिल्कुल सही जवाब है। जब विज कहता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, सारे लोग हेक्साहेड्रॉन में बैठ जाए, हमें ट्रिप पर जाना है। जब ये सारे लोग ऊपर जाते हैं, जहाँ विज अपनी छड़ी चलाता है और जिस प्लैनेट पर ये लोग खड़े थे उस प्लैनेट के आसपास की धूल मिट्टी हट जाती है और ऊपर का जितना भी सतह था वो भी हट जाता है। तब हम देखते हैं कि ये कोई प्लैनेट नहीं था, ये था एक ड्रैगन बॉल। जहाँ बुलमा कहती है, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। जहाँ कलो कहता है कि भाई आसपास की जितनी भी धूल मट्टी थी इसने एब्जॉर्ब कर ली होगी, जिससे ये इतना सख्त बन गया और प्लैनेट जैसा दिखने लगा। जहाँ बीरस मोनाका को थैंक्स भी कहता है। गोकू कहता है कि अब हमारे पास 7 ड्रैगन बॉल्स तो है, लेकिन ड्रैगन को बुलाने के लिए क्या करना होगा? जहाँ बुलमा कहती है, तुम बुरी विश तो नहीं मांगोगे ना? बीरस कहता है, पहले किटकिट बंद करो और जवाब दो। जहाँ वेजिटा कहता है कि इससे आगे वो करेंगे भी नहीं। बुलमा कहती है, ठीक है अब आपको डिवाइन लैंग्वेज में कहना है कि आगे आइए मिस्टर ड्रैगन और मेरी गाजर मटर जैसी विश को पूरा कीजिए। बीरस विश को आवाज देते हैं, जहाँ वो डिवाइन लैंग्वेज में बता देता है ट्रांसलेट करने के लिए विश को। जहाँ ट्रांसलेट करके वो बताता तो है, जहाँ बीरस कहता है कि गाजर मूली जैसा शब्द तो नहीं है, जहाँ मटर भी कोई शब्द नहीं है डिवाइन में, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? बुलमा कहती है, उसे ट्रांसलेट मत कीजिए, उसे वैसा ही छोड़िए। जहाँ विश को आवाज लगाता है बीरस और बीरस वही बात दोहराता है। जहाँ गोकू कहता है, इससे कुछ हुआ ही नहीं। बीरस कहता है, ये गाजर मटर की वजह से है, लेकिन बॉल में हलचल दिख रही है। जहाँ अब ये चमकते हैं और इसमें से ड्रैगन निकलता है जो ये लोग देख भी नहीं पा रहे, और इतनी बड़ी वेव निकलती है। जहाँ वेजिटा कहता है, हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। विश कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब ये ड्रैगन धीरे धीरे करके निकलता है, जो कि इतना बड़ा है कि ये जो सारी गैलेक्सी है उसके सामने एक पिद्दी से बॉल जैसे नजर आ रही है। जहाँ ये बड़ा हो रहा है इसके बीच में एक प्लैनेट आता है, उसको भी वो निगल जाता है। और अब इधर इन लोगों की आंखें खुल जाती है। जहाँ बुलमा पूछती है, क्या लगता है हम कहाँ पर है? जहाँ पिकलो कहता है, हम शिनरॉन के अंदर है। जहाँ विज इन लोगों को समझा देता है कि ये जरूरी था ड्रैगन से बात करने के लिए। जहाँ ये लोग बाहर निकलते हैं एक छेद से, इनके सामने है सुपर शिनरॉन। जहाँ ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या वाकई में हमारे सामने है? बीरस कहता है, इंसानों को समझ में नहीं आता, हम इसके सेंटर में हैं। जहाँ डिवाइन लैंग्वेज में ड्रैगन पूछता है कि आपकी विश क्या है, जल्दी बताओ। जहाँ बुलमा कहती है, अभी तक आपने विश सोची नहीं क्या? बीरस कहता है, शांत रहो। जहाँ बीरस ने एक विश मांग ली है जिसको ट्रांसलेट कर देता है विज, और ड्रैगन ये विश मांगकर चला जाता है। जहाँ गोकू और बुलमा ये सारे लोग पूछते हैं कि तुमने आखिरकार क्या विश मांगी? बीरस कहता है, एक शानदार बेड मांगा मैंने। जहाँ बुलमा कहती है, क्या फर्नीचर के दुकान तक तुम जा नहीं पाओगे, इसलिए तुमने इतना किया? गोकू कहता है, हम टूर्नामेंट में लड़े और फिर तुमने ये किया? जहाँ बीरस कहता है कि शट अप, तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। इधर वाडोस चांपा को लेके जा रही होती है, तभी वो रुक जाती है। जहाँ चांपा के सामने वो आती है और दिखाती है कि आप लाइव देख रहे हैं, जहाँ 6 यूनिवर्स की अर्थ ठीक हो चुकी है और वहाँ पर लोग भी जन्म चुके हैं, जहाँ वो लोग फूड बिजनेस भी करने वाले हैं और हम ढेर सारा खाना खा सकते हैं।
चांपा कहता है कि ये सच है क्या? पाडोस कहती है हाँ, आपके भाई ने जो लॉर्ड बीरस है उन्होंने कहा था कि वो विश आपके लिए मांगेंगी। तभी इनके पास से एक सुपर ड्रैगन बॉल गुजरता है। चांपा कहता है कि वो मुझे जीतना चाहता है और हंस देता है चांपा। इधर विश कहता है कि आपकी ये काइंडनेस है। बीरस कहता है नहीं, वो मेरी इज्जत करे इसलिए मैंने ये किया है। इधर बीरस कहता है नहीं, अब पूछना बंद करो। झागोकू कहता है कम ऑन, टूर्नामेंट तो खत्म हो चुका है ना, तो अब तो मैं लड़ सकता हूँ ना, प्लीज थोड़ी देर फाइट करने दीजिए, इसकी स्ट्रेंथ समझनी है। बीरस कहता है अभी ये थका हुआ है, स्ट्रेंथ के बारे में मैं बता दूंगा तुम्हें। गोकू कहता है ठीक है। जहाँ ये लोग निकल जाते हैं, जहाँ बीरस कहता है थैंक यू मोनाका, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। जहाँ उसकी एक गाड़ी आती है और वो शायद से डिलीवरी बॉय लग रहा है जो कि आता है और वो कहता है थैंक यू बीरस। जहाँ उसका डोर खुलता है गाड़ी का, उसके अंदर ढेर सारा सोना है। आप बहुत दयालु हो। बीरस कहता है कि तुमने उसको मोटिवेट किया गोकू को, क्या फिर से आओगे तुम? मोनाका थोड़ा शॉक में है। जहाँ अब ये फाइनली लोग पहुँचने वाले हैं धरती पर, जहाँ गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और पिकलो चिंतित। जहाँ ये लोग खुश है अपनी धरती को देख रहे हैं। जहाँ अब आगे कौन से एडवेंचर छुपे हुए हैं अपने ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज के लिए, ये जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल सुपर का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।